वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे आज की वीडियो में। तो आज बताने वाला हूं होंडा सिटी फोर जनरेशन के अंदर जो साइड ग्लास है उसका इनर ग्लास को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट ग्लास और लेफ्ट जो साइड ग्लास है उसको किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए आपको राइट हैंड पे आपको स्विच दिख रहा होगा जिसमें एडजस्टर स्विच है, ऊपर आपको लेफ्ट राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा और एक है फोल्ड और अनफोल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट। अगर आप ऑन भी करते हैं तब भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपन राइट साइड के ग्लास को एडजस्ट किस तरह से करेंगे। तो आपको स्विच दिख रहा होगा, इधर ये स्विच है, लेफ्ट राइट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उसको करना राइट के अंदर पुश करेंगे तो ये है एडजस्टर। जैसे ऊपर एडजस्ट करना है तो ऊपर आपको पुश करना है, ठीक है। अगर नीचे आपको एडजस्ट करना है तो नीचे वाले को पुश करना है, राइट में करना है तो राइट में आप इसको पुश कर दीजिए, लेफ्ट के अंदर करना है तो लेफ्ट के अंदर इसको पुश कर दीजिए, ठीक है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर लेफ्ट ग्लास अगर आपको एडजस्ट करना है तो लेफ्ट के इसको पुश कर दीजिए। बीच के अंदर जो ये रहेगा ऑफ मोड के अंदर रहेगा, बीच में कोई सा भी ग्लास है वो एडजस्ट नहीं होगा। आपको राइट लेफ्ट के अंदर पुश करना है, फिर आपको लेफ्ट के अंदर राइट के अंदर आप जैसे पुश करेंगे तो ये ऊपर नीचे ये राइट के अंदर आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बीच में रखेंगे तो जो साइड ग्लास है वो एडजस्ट नहीं होंगे। राइट का करना आपको राइट का पुश करना है, लेफ्ट में करना तो लेफ्ट के अंदर पुश करना है, ठीक है। जो ये वाला स्विच किया जाता है, ये वाला जो बटन है वो है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। कई जगह ऐसी होती है जो मार्केट वगैरह में आपको फोल्ड करके ही चलाना पड़ता है, जहाँ आप इसको खोल के नहीं चला सकते क्योंकि गाड़ी टच होने का डर रहता है, तो आप इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अनफोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आप साइड ग्लास है उसके इनर ग्लास को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको राइट में एक स्विच दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर सकता हूँ। तो बस सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।